जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है टीसीएस, जो लगभग टॉप से 15% डाउन है। इसमें ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन एक रेजिस्टेंस से सेलिंग टीआरसीपी बना के नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन किस तरह के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आए। अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये टीसीएस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कोविड के बाद में एक अच्छी रैली दी, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। अब ट्रेंड का सिग्नल होता है हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न, ये इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न था, अब ट्रेंड था। फिर बाद में ये डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में देखोगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुल बैक जैसे, मतलब ब्रेकआउट यही हुआ था। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद ऊपर वाले रेजिस्टेंस से एक बार वापस आ रहा है। रेजिस्टेंस पे इसने सेलिंग टीआरसीपी वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में भी बनाया है। आप देख सकते हो कि मंथली टाइम फ्रेम में एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन एक पैटर्न होता है सेलिंग टीआरसीपी का, वो बना के यहाँ से नीचे की तरफ गिरावट आ रहा है। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपन ये आ सकता है। एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, बिजनेस मॉडल लॉन्ग, डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर बाइंग करनी है तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपन बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ट्रेड लाइन देख, कोविड के टाइम में ही सपोर्ट लिया था, उसके बाद में इस तरह का एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की हमने। अब ट्रेड लाइन ड्रॉ, हाँ ये ट्रेड लाइन है जहाँ पर बार बार इसको सपोर्ट मिला है, बार बार सपोर्ट मिला है। हो सकता है कि इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे और फिर ऊपर बाइंग हो, ऊपर की तरफ चले। पहली चीज तो ये इस ट्रेड लाइन के पास में। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और मिल रही है, कौन सी चीज मिल रही है उसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट है, पहले ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट का काम कर सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये देख सकते हो ये लेवल है, मतलब 35-50 के लगभग है, 35-50 के लगभग हो सकता है, 35-50 के लगभग यहाँ तक ये आ सकता है, पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। अगर जैसे कल रिजल्ट, इलेक्शन का रिजल्ट भी है तो उस दिन थोड़ा बहुत मूवमेंट, जैसे आज भी मार्केट ओपन हुआ और अच्छा, आप देख सकते हो कि मैं डेली टाइम पैटर्न का चार्ट दिखाऊँ तो गैप अप ओपनिंग होके फिर वापस उसमें वापस नीचे की तरफ गिरावट आ रही है। तो या तो ये एग्जैक्ट जैसे अभी तो देखे तो कोई बाइंग टीआरसीपी टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में अगर इस लेवल पे कोई भी बाइंग टीआरसीपी दे, एक दो दिन सिस्टम चलेगा कि न्यूज की वजह से हो रहा सारा, सारी चीजें इलेक्शन की वजह से, न्यूज की वजह से हो सकता है अच्छा मूवमेंट आए, लेकिन फिर अगर वापस नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल है जहां पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट है और यहाँ पर ट्रेड लाइन के साथ में ये ट्रेड लाइन जो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन है उसका भी ये सपोर्ट ले रहा है, जो पहले एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का भी काम कर सकता है। थोड़ा सा इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट देखिए दोस्तों, क्वार्टर फोर के रिजल्ट अच्छे हैं, क्वार्टर रिजल्ट आए थे इसके। इसमें ज़्यादा अपन डिटेल से नहीं देखेंगे, पहले देख लेते हैं दिसंबर और मार्च का। 60583 है, बाद में 61237 है, ये इस तरह का एक्सपेंडिचर है। और नेट प्रॉफिट अपन देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 11097 था और बाद में 12502 करोड़ का ये एक अच्छा, मतलब इसको प्रॉफिट दिखाई दिया। तो ये क्वार्टर रिजल्ट ठीक है, लेकिन अब इस वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसको इम्पोर्टेंट लेवल वॉच लिस्ट में रख सकते हो जिससे कि अपने को पता चले। और यहाँ लेवल 35 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी इसी लेवल पर बनेगी, पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, इसमें एक्युमुलेट करने के लिए जगह नहीं है। फिर देखिए ये सपोर्ट लिया तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं वो भी देख सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ सपोर्ट लिया एक और ये एक रेजिस्टेंस लिया इस तरह से, तो ये 38% का रिट्रेसमेंट था। हो सकता है इस लेवल तो 35 के लगभग होना चाहिए, 35 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। एक सेकेंड थोड़ा सी और मचीज है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपन और देखते हैं। अब कहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं, ये मैंने एक सपोर्ट लिया और ये एक रेजिस्टेंस ये लगा, तो देखिए ये 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है यहाँ पर और 35 का लगभग 35 से नीचे ये यहाँ पर आ रहा है। तो या तो 35 या फिर बाद में 60% गिर रहे, तो 60-30 कहने का मतलब है तो एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से मतलब का 34 और 3500 ये लेवल है जहाँ से रिवर्स हो सकता है, उससे पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो वेट एंड वॉच कर सकते हो,
जो इम्पोर्टेंट लेवल है वहां से रिवर्स हो सकता है। अगर पहले चला जाता है तो अपने सेटअप में नहीं होगा, फिर अगर जाता है तो फिर बाद में अपन उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। तो इस तरह से स्टॉक पर रणनीति बना सकते, कंक्लूजन निकाले तो वेट एंड वॉच किया जा सकता है। जो लेवल है 34 और 50 के लगभग एग्जैक्ट अपन डिसाइड नहीं कर सकते, 34 और 50 3500 के लगभग जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है इस रेंज के अंदर कोई भी वीकली मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसी भी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो वाला स्टॉक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाएगा। किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।